नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 15 भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई थी, आरपीएससी और आरएसएसएमबी दोनों भर्तियों में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप पल पल के अपडेट सुप्रीम जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा आसानी से पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस एमबीसी के लिए स्थगित 15 भर्ती परीक्षाएं 3 माह बाद भी नहीं, इंतजार कब तक? अब तक सिर्फ स्कूल व्याख्याता के लिए ही आवेदन मांगे। आर्थिक कमजोर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो 15 भर्तियां स्थगित की थी, उनमें से स्कूल व्याख्याता को छोड़कर किसी में भी तिथि नहीं आई है। परीक्षा स्थगित किए 3 महीने बीत चुके हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 11 और आरपीएससी ने 5 परीक्षाएं स्थगित की थी। परीक्षाओं के लिए लाखों अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। वहीं अब प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी विशेष योग्यजनों को 4% आरक्षण मिलेगा, इसको लेकर भी वर्गीकरण किया जा रहा है। जानिए दो बड़े भर्ती बोर्डों में आवेदन की क्या स्थिति है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जून में आदेश जारी करके ईडब्ल्यूएस व एमबीसी के छात्रों को मौका देने के लिए 11 भर्ती परीक्षाओं को स्थगित किया था। ये परीक्षाएं करीब 3700 पदों के लिए आयोजित होनी थी। आरक्षण लागू करते हुए संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। फार्मासिस्ट, पुस्तकालय अध्यक्ष, ग्रेड थर्ड, सी ग्रेड लिपिक, कनिष्ठ अनुदेशक, हथकरघा निरीक्षक, लवण निरीक्षक, अन्वेषक के पदों पर परीक्षाएं जुलाई में ही होने वाली थी। फार्मासिस्ट, पुस्तकालय अध्यक्ष व अन्य के लिए अभी तक संबंधित विभागों से आरक्षणवार वर्गीकरण होकर नहीं आया है। विभागों से संशोधित सूचना मिलते ही हम भर्ती प्रक्रिया चालू कर देंगे। डॉक्टर बी एल जाटावत, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा परीक्षा तिथि के बारे में कि अभी तक वर्गीकरण नहीं प्राप्त हुआ है, इस वजह से हम परीक्षा तिथि नहीं निकाल पा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना।